मुझे बचपन में वो प्यार नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। लोगों ने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। गलत जो करेगा उसका स्टैंड लेना है, जो सही करेगा उसका साथ देना है। मुझे पैसा बचाना होता है, फैमिली देखना होता है। बिग बॉस OTT सीजन 3 में नजर आएंगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवानी। वह छोटे से गाँव से उन्होंने बिग बॉस के घर तक का सफर तय किया है। घर के अंदर जाने के लिए वो है काफी एक्साइटेड। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है। यूं तो अक्सर देखा गया है कि टीवी दुनिया में या फिर रियलिटी शो में ग्लैमर का डंका बोलता है, लेकिन कुछ साल पहले से बिग बॉस ने परिभाषा बदल दी है और आम आदमी के लिए या फिर कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मेहनत से कुछ क्रिएट करते हैं, जिन्हें कॉन्टेंट क्रिएटर्स कहते हैं, शिवानी इस बार आप बिग बॉस के घर में जाने वाली हैं और हर कोई आपको कुछ एक ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर के तौर पर जानता है जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और फिर सभी के दिल में जगह बनाई। मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो मैंने मतलब सपने में देखा था वो सपने सच होने जा रहे हैं। गांव से निकल के एक गांव छोटे से गांव से निकल के गरीब परिवार से और बिग बॉस में जा रहे हैं, तो शब्दों में बयां नहीं कर सकते कितना अच्छा लग रहा है। किस तरह की तैयारी की? हमेशा से देखा होगा कि टीवी में लोग आते हैं और अब आप उस टीवी में दिखने वाली हैं, कितना सपना जो है ये सच होता भी नज़र आ रहा है। टीवी में देखते थे लोग बड़े बड़े एक्टिंग करते हैं, कभी ये मतलब ये नहीं सोचा था अनिल कपूर सर हैं वहाँ, उनकी होस्टिंग होगी, उनको देखेंगे हम सामने से, कैसा महसूस होगा ये तो जब हम देखेंगे तभी बता पाएंगे। अपनी जर्नी के बारे में वहाँ पर आपको बात करने का मौका मिलेगा क्योंकि सबने देखा है, लेकिन जितना कंटेंट आपने बनाया है उसी तरह से देखा है, लेकिन यहाँ पर आपकी और अलग पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। किस तरह से होने वाली है ये जर्नी आपके लिए? लोगों ने मेरा गुस्सा नहीं देखा है और वही कि वहाँ पे सब वो तो वहाँ सब दिखेगा। मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ उसमें भी आप लोगों को दिखता है, लेकिन जो गुस्सा होता है वो अब से अक्सर काट देते हैं, कभी ब्लॉग के माध्यम से नहीं दिखा है। मुझे गुस्सा आता है लेकिन बहुत कम, लेकिन कोई गलत करता है तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ बिग बॉस के घर में तो काफ़ी गलत और सही होने वाला है, यहाँ पर किस तरह से अपना स्टैंड लेंगी, आप अपना पक्ष रखेंगे? गलत जो करेगा उसका स्टैंड लेना है, जो सही करेगा उसका साथ देना है मुझे। और क्या जिस तरह से हमने देखा है बिग बॉस के घर में काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बन जाते हैं, लोग जिनको पहले से जानते हैं आपस में वो लोग अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, दूसरों को साइड कर देते हैं। मैं जा तो रही हूँ, मुझे भी जानते होंगे उस घर के अंदर, जानते होंगे, मैं भी सबसे दोस्ती करूँगी। ये नहीं कि मैं जाते ही लड़ाई के माध्यम से जा रही हूँ, ये ऐसा तो मेरा कोई पर्पज नहीं है कि मैं जाऊँ सीधे लड़ने ही लगूँ। मैं भी सबको दोस्त बनाऊँगी, सबसे बातचीत करूँगी, उनके साथ जितने दिन मिलेंगे रहूँगी साथ में। घर वालों का क्या?